बॉलीवुड स्टार्स की लव लाइफ भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं होती है। बॉलीवुड में कब कौन किसका हो जाए और कब कौन किसका साथ छोड़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। कई स्टार्स की लव स्टोरी में तो इतने ट्विस्ट और टर्न होते हैं जो शायद किसी रोमांटिक ड्रामा मूवी में भी ना हो। हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के उन कपल्स के बारे में जो पहले मिले, प्यार हुआ, ब्रेकअप हुआ और फिर अब दोस्त हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। ऋतिक और सुजैन की लव स्टोरी किसी फिल्म की तरह ही लगती है। साल 2014 में दोनों ने 17 साल का रिलेशन तोड़कर अलग होने का फैसला किया। शुरुआत के कुछ दिनों तो दोनों अलग रहे, लेकिन फिर बच्चों के बहाने दोनों की मुलाकात होने लगी। कंगना विवाद में जब ऋतिक मुश्किलों में लग रहे थे, तब सुजैन ऋतिक के साथ खड़ी हुई और दोनों फिर करीब आ गए। काबिल की रिलीज के दौरान भी सुजैन पूरी तरह ऋतिक के साथ दिखी। अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्दी ही ये कपल दोबारा शादी करेगा, लेकिन ऋतिक ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि सुजैन और वो केवल अच्छे दोस्त हैं। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। कभी अरबाज और मलाइका की गिनती बी टाउन के बेस्ट कपल्स में की जाती थी, लेकिन पिछले साल दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। हालांकि अब भी दोनों के रिलेशन काफी सामान्य लगते हैं। एक दूसरे से अलग होने के बाद भी दोनों को कई मौकों पर साथ में पार्टी करते हुए देखा जा चुका है। सलमान खान और कटरीना कैफ। ये लव स्टोरी भी फुल फिल्मी है और इसमें वो वाला एंगल भी है। कभी कटरीना सलमान के साथ हाथों में हाथ डाले घूमती दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में रणबीर की एंट्री हुई, उन्हें सलमान को भुलाने में कोई वक्त नहीं लगा। लेकिन अब कैट का रणबीर से भी ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर वो सलमान के करीब दिखाई दे रही हैं। सलमान के साथ कटरीना टाइगर जिंदा है में दिखाई देंगी। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। एक और फिल्मी स्टोरी। रणबीर और दीपिका एक वक्त में बी टाउन के सबसे पॉपुलर कपल थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद रणबीर कटरीना के हो गए और दीपिका की दोस्ती रणवीर सिंह से बढ़ने लगी। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी रणबीर और दीपिका काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी आज भी हिट है। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा। बैंड बाजा बारात के रिलीज के बाद रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के नजदीकियों के किस्से आना शुरू हो गए थे। फिर दोनों के अलग होने की खबर आ गई। ब्रेकअप के बाद कुछ दिनों तक रणवीर और अनुष्का ने एक दूसरे को अवॉइड किया, लेकिन फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ब्रेकअप के बाद दोनों ने दिल धड़कने दो में साथ काम किया था। शाहिद कपूर और करीना कपूर। शाहिद और करीना की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित लव स्टोरीज में से एक है। दोनों ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर अलग हो गए। शाहिद और करीना ने ब्रेकअप के कई सालों तक ना तो एक दूसरे से बात की और ना ही पब्लिकली कभी एक दूसरे के बारे में कुछ कहा। हालांकि मीरा से शादी के बाद शाहिद काफी बदले बदले से नजर आ रहे हैं और अब करीना से उनका रिलेशन सामान्य हो चला है। दोनों ने एक ही फिल्म उड़ता पंजाब में भी काम किया। हालांकि फिल्म में दोनों का कोई भी सीन साथ में नहीं था। आमिर खान और रीना दत्ता। आमिर खान किरण राव से शादी के बाद भी कई बार अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ नजर आ चुके हैं। अलग होने के बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत है। सैफ अली खान और अमृता सिंह। सैफ अली खान और अमृता सिंह का भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग आज भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों इन दिनों सारा के करियर को लेकर खासे सीरियस हैं और सारा की सक्सेसफुल डेब्यू की तैयारियों में जुटे हुए हैं।